Hello everyone and welcome to Unacademy Neet PG. I'm Dr. Paramjeet and you're watching How to Conquer Neet PG. Aur aaj hamara topic hoga the best diet plan for Neet PG. Okay, to baat karte hain diet plan ke bare mein. All right. डाइट प्लान क्या लेनी है अगर आप एग्जाम प्रिपरेशंस कर रहे हैं. एंड एज यू नो आई एम डॉक्टर परमजीत. आप लोग मुझे यूट्यूब से जानते होंगे और आई हैव डन माय एमबीबीएस एंड डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी एंड फेलोशिप इन क्लिनिकल कार्डियोलॉजी एंड वर्किंग एज अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. और पिछले 4 साल से हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं मेडिकल कॉन्सेप्ट्स ऑन यूट्यूब आपके लिए और जनरल पब्लिक के लिए. सो गुड न्यूज फॉर ऑल पीपल जो प्रिपेयर कर रहे हैं नीट पीजी के लिए. 26 तारीख को सुबह 9 बजे आपके लिए एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है एंड यू कैन रजिस्टर एनरोल हो सकते हैं इसके लिए. और इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है. इसमें आप हमारा कोड डाल दें, कोड आपको बताया जाएगा आगे. ओके, सो यहाँ पर 19 फरवरी को भी एक 6 बजे शाम को आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे. यू कैन गो देयर, यू कैन आल्सो डू दिस ऑन एन अकेडमी. इसके अलावा एजुकेटर क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको भी पार्ट लीजिए. ऑलराइट, एंड ऑन अनअकैडमी और सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो सारी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का आपको कंटिन्यूअस एक्सेस रहेगा. बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स से आप ले सकते हैं एजुकेशन और टेस्ट सीरीज लाइव एंड क्विजेस आपको मिलेंगे सारे. साथ में 25,000 से ज्यादा क्वेश्चन बैंक्स एंड किसी भी टाइप के आप किसी भी स्क्रीन पे पढ़ाई कर सकते हैं. एंड अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं देन यू अनअकैडमी प्लस आपको इसके साथ प्रेप लैडर का भी सब्सक्रिप्शन मिलेगा. और स्पेशल क्लासेस हमारी चलती हैं, भूलिया नहीं, रात को 11 बजे. आपको रात को 11 बजे अनअकैडमी पे लॉगिन करना है और हमारा कोड डालना है. स्पेशल क्लास का लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे. और स्पेशल क्लास पे आप आके हमसे एमसीक्यूज और फिजियोलॉजी के रैपिड रिव्यूज के क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. इट इज वेरी वेरी गुड स्पेशल क्लासेस. पोल्स हम वहां करते हैं, इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं. इट्स अ गुड चैनल. वहां पर आप नोट्स भी ले सकते हैं, पूरे के पूरे नोट्स आपको वहां पे डाउनलोडेबल मिल जाएंगे. तो मॉक टेस्ट भूलना नहीं है और ये हमारा कोड है परमजीत. इसको अगर आप डालेंगे तो फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हैं. साथ ही प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप बाय करते हैं तो उसमें आपको भी 10% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा. ये आपके प्लस सब्सक्रिप्शन के नए चार्जेस हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के नए चार्जेस हैं. तो ये आप देख सकते हैं. ऑलराइट, so now today the topic for today is what is the best diet. Diet is not कि हम food items की बात नहीं कर रहे हैं. We are not talking about कि ये इसमें brain power है, brain foods है. No, we are talking about कि जो आप regular खाते हैं उसमें किन बातों का ध्यान रखें ताकि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन बेटर हो, आपका ब्रेन रिकवरी, आपके ब्रेन की मेमोरी, सारे पावर आपके बेटर. ठीक है, सो ऑब्वियसली वी नो एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत सारा स्ट्रेस होता है एंड बहुत हाई टेंशन वाला टाइम होता है
और साथ में प्लानिंग बहुत जरूरी है। अगर आप उसको प्रॉपर प्लान नहीं करते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं, तो प्रॉब्लम आती है। एंड इस टाइम मैनेजमेंट में कई लोग जो हैं डाइट के बारे में प्लान करना भूल जाते हैं, और डाइट के बारे में प्लान करने नहीं करने का बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज होता है, वो मैं आपको आज बताऊंगा। साथ में आप अगर सही तरीके से शेड्यूल अपना प्लान करें इंक्लूडिंग डाइट, तो उस चीज पे आपकी एंजाइटी लेवल्स बहुत बेटर मैनेज हो जाती है, आपकी मेमोरी रिटेनिंग पावर वो मैनेज होती है, मेंटल ब्लॉक्स आपके नहीं आएंगे, तो ब्लॉक्स आपके बिल्कुल कम हो जाएंगे। और व्हाट वी ईट उसका बहुत बड़ा रोल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग योर एग्जाम प्रिपरेशन एंड ऑल्सो ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। ऑन द डे ऑफ द एग्जाम वाली डाइट लेटर ऑन कवर की जाएगी, यहां पे ध्यान दें, ठीक है? तो फूड आपके बचपन से ही असेंशियल होता है, और एग्जाम पीरियड में कई बच्चे ऐसे भी करते हैं कि बहुत ज्यादा बिंज ईटिंग करने लगते हैं, टेंशन टेंशन में, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, आइसक्रीम खा लिया, और कभी कभी मीठा खा लिया, शुगर खा ली, बहुत ज्यादा डोनट्स खा लिए। तो दोज थिंग्स कैन लीड टू वेट गेन, एक्यूट वेट गेन हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकता है, स्टमक प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकते हैं। यू डोंट वांट कि भाई एग्जाम में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, या फिर आप अपने पेट को देखे जा रहे हैं, यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, गैस बन गई, ये हो गया, वो हो गया। सो वी डोंट वांट दैट, राइट? सो यू नीड टू स्टे मेंटली एंड फिजिकली फिट, ताकि आपका प्रॉब्लम ना आए। फॉर दिस, क्योंकि आप बहुत लंबे लंबे पीरियड तक पढ़ाई करने बैठते हैं, इस चीज के लिए फिजिकली फिट रहना इज, उसके लिए डाइट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू ईट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए ऑब्वियस सी बात है, कुछ ब्रेन फूड्स होते हैं जिसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। एक तो हमने नूट्रोपिक्स सप्लीमेंट्स की बात की थी, अगर आपने वो नहीं देखे तो एक वीडियो है हमारा उस पे, वो जरूर देखें। इसमें वो सप्लीमेंट्स हैं जो ब्रेन को एनहा, ब्रेन की फंक्शनिंग को, कॉग्निटिव फंक्शंस को, मेमोरी पावर को एनहांस करने के लिए होते हैं। वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब अनअकैडमी पे आपको मिल जाएंगे। और आप ब्रेन फूड्स में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो नेचुरल फूड्स हैं, ठीक है? यहाँ पर ब्रेन फूड की बात करते हैं तो लोग एनर्जी ड्रिंक्स पे ज्यादा आ जाते हैं, वो नहीं है एनर्जी ड्रिंक, कैफीनेटेड ड्रिंक्स है जी, वो रेड बुल्स और ये वो चाय कॉफी, नो, दीज आर, दोज आर नॉट एग्जैक्टली ब्रेन फूड्स, ठीक है? कुछ प्रकार के फूड जरूर होते हैं जो आपके अलर्टनेस एंड मेमोरी पावर, मेमोरी रिटेंशन और एनर्जी लेवल्स बढ़ाते हैं, जनरल वेलबींग्स बढ़ाते हैं। यस, कैफीन इज वन ऑफ देम, बट इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आज वो भी देखेंगे हम लोग, खाने में क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं ध्यान देना, उसको देखते हैं। सबसे पहला रूल है, रूल नंबर वन, स्टे हाइड्रेटेड। कई लोग होते हैं जो पानी पीना भूल जाते हैं या कम पीते हैं, जानबूझ के कम पीते हैं, ये सोच के कि यूरिन का जाना पड़ेगा, लेकिन दैट इज रॉन्ग। तो योर स्टडिंग इज ऑल्सो लाइक अ मेटाबॉलिक रिएक्शन विच इज क्रिएटिंग आपके शरीर के अंदर से केमिकल रिएक्शंस होते रहेंगे, और ब्रेन के प्रोसेसिंग के लिए भी इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर वॉटर जो आपके शरीर में अच्छी मात्रा में हो। डिहाइड्रेटेड ब्रेन कैन नॉट थिंक प्रॉपरली। तो अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं तो जल्दी थक जाओगे, भूलते रहोगे, स्लगिश हो जाओगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एम टू ड्रिंक अराउंड 3 लीटर्स ऑफ लिक्विड एवरी डे। 3 लीटर्स बहुत जरूरी है,
सो दैट आपकी मेंटल हेल्थ सही रहे, जनरल वेलबींग सही रहे, और इसके लिए आपके डेस्क पे एक बोतल पानी की होनी चाहिए, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बोतल भरी हो पानी की, 1 लीटर की या कैसी भी, उससे आप पानी पीते रहिए, ठीक है, ताकि वो खत्म हो जाए फिर आप भरिए, ताकि आप ट्रैक रख पाए कितना पी रहे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू नीड टू स्टे हाइड्रेटेड। सेकेंड थिंग इज, कई लोग चार चार छः छः आठ आठ घंटे पढ़ते रहते हैं, आज पूरा दिन पढ़ लिया और खाना खाना भूल जाते हैं, ये नहीं करिएगा। खाना खाना भूलना नहीं है, कई लोगों का टेम्पटेशन होता है यार खाना खाऊंगा उसके बाद नींद आ जाती है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, है ना, एक और चैप्टर एक और चैप्टर, ऐसा नहीं करना। इससे क्या होगा, एक तो हंगर क्रैम शुरू हो सकते हैं, और कई बार व्हाट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, योर ब्रेन नीड्स ग्लूकोस, राइट, एंड यहाँ पर जो क्विक शुगर कैंडी वैंडी की बात नहीं हो रही है, अगर आपकी शुगर लेवल्स ड्रॉप होती है, ठीक है, तो कि अगर आपने एक्यूट बहुत सिंपल शुगर्स ले ली, तो सिंपल शुगर्स का आपको पता ही है वो इंसुलिन स्पाइक करेगा, और इंसुलिन स्पाइक के साथ में तुरंत आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो बढ़ते भी हैं और ड्रॉप भी हो जाते हैं, इन एक्यूट राइज एंड एक्यूट ड्रॉप इन योर ब्लड शुगर लेवल्स। तो राइज में नींद आएगी और ड्रॉप में फिर एकदम से आपके बॉडी को जो जो ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए वो फिर ड्रॉप हो जाएगा। सो दिस काइंड ऑफ अ फ्लक्चुएशन अगेन आपके माइंड के अंदर भी, आपके कंसंट्रेशन, आपके मेमोरी, आपके ब्रेन फंक्शनिंग में भी इस तरह फिर फ्लक्चुएशन होगा। रैदर देन दैट आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पे ज्यादा ध्यान देना है, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो एब्जॉर्ब होंगे, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होंगे, 3 से 4 या 6 घंटे में, धीरे धीरे 3 4 घंटे में एब्जॉर्ब होंगे, 3 4 घंटे में स्लो स्लोली आपके बॉडी को कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज देते रहेंगे, जिससे आप फोकस कर पाएंगे विदाउट फीलिंग हंग्री अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है। सो डू नॉट स्किप योर मील्स, ट्राई टू ईट एवरी 4 to 6, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे में एक बार, 4 6 to 8 आवर्स के इंटरवल में जरूर कुछ ना कुछ खाएं। स्नैकिंग इज मोर ग्रेट। अब खाना खाएं तो क्या खाएं, है ना, खाएं तो क्या खाएं, तो खाना खाते समय इट इज वेरी वाइटल इम्पोर्टेंट कि आपके आपके पेट में वैरायटी ऑफ फूड हो, उसमें आपकी जो प्लेट है उसको आप 4 भागों में करेंगे, तो आधी प्लेट जो है आपकी वेजिटेबल्स से भरी होनी चाहिए, वेजिटेबल्स, जी हाँ, वेजिटेबल्स में पकी हुई सब्जियां हो, सैलेड हो, ठीक है, चलेगा, तो वेजिटेबल्स से होनी चाहिए आधी प्लेट आपकी, 1/4 प्लेट आपकी कार्ब्स होना चाहिए और 1/4 प्लेट आपकी प्रोटीन होना चाहिए। तो ये आप एक जनरलाइज्ड आदत ही डाल लो, ज्यादा अच्छा है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इसमें प्रिफर करेंगे, ये आपके ब्रेन, ये एक आध दिन की बात नहीं है, ये रेगुलरली लेने से आपके ब्रेन को बहुत फायदा होता है। ग्रीन लीफी नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में ये, कार्बोहाइड्रेट्स में आप होल ग्रेन्स का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, मल्टीग्रेन यानी 100% वे व्हीट हो, या मल्टीग्रेन रोटी हो, या मल्टीग्रेन ब्रेड हो, होल ग्रेन ब्रेड हो, राइस में ब्राउन राइस ज्यादा बेहतर है, नॉर्मल राइस भी कम क्वांटिटी, व्हाइट राइस भी चलेगा, किनोवा बुलगर ये सब चीजें ले सकते हैं। स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे कि अगर आप स्वीट पोटैटो या पम्पकिन या पोटैटो ले रहे हैं, उनको आप कार्ब्स में गिनेंगे, ठीक है। सो जब आप उसको वेजिटेबल्स वाले पार्ट में, नहीं कि आधा आधा प्लेट सर ने बोला वेजिटेबल तो आधा प्लेट हम आलू यहाँ डाल देंगे, पूरा आलू ही आलू खा रहे हैं, ये चिप्स खा रहे हैं, आलू के फ्राइज ही फ्राइज भर भर के, नहीं वो नहीं करना है, ठीक है। सो योर कार्ब्स के अंदर आएगा वो, ठीक है। प्रोटीन में आप कोई ना कोई, या तो पल्सेस दालें ले लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए, या
नट्स लीजिए, चने लीजिए, लीन या लीन मीट ले सकते हैं लोग, जैसे कि चिकन, फिश, टर्की, राइट, नो कंटेंट ऑफ फैट में आपका चिकन ब्रेस्ट आते हैं, डेयरी ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, ये सब ले सकते हैं. तो चेंज द प्रोटीन कंटेंट ऑल्सो. एवरी मील की बात हो रही है. एंड वेजिटेबल, नाउ दिस इज अ मील, दिन में आप 2 या 3 मील ले सकते हो और देन बीच में 2 या 3 स्नैक्स ले सकते हो. स्नैक्स की अलग से बात करेंगे. फ्रूट्स लेने का स्नैक्स में बहुत बढ़िया है, सारे सीजनल फ्रूट्स लेना है, लेकिन फ्रूट्स में जो ध्यान देना है, दे शुड बी फ्रेश फ्रूट्स. तो फ्रेश फ्रूट लेने का मतलब है अभी अभी पका हुआ फ्रूट लें. सो फ्रेश फ्रूट का मतलब है कि अभी अभी पका हुआ फ्रूट लें, एकदम फ्रेश. यानी जैसे कोई केला है, आम है, ये भी लेते हैं. कई लोग इसे कहते हैं मीठे फ्रूट्स हैं, ऐसा है, कार्ब्स कंटेंट ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है. अगर हम केले या आम की भी बात करेंगे तो बाई वेट उनके अंदर मैक्सिमम 20% बाई वेट कार्ब्स होते हैं, लेकिन वो जितने फ्रेश होंगे, अभी अभी पका होगा, उसमें उतना कम मात्रा में उतना कम मीठा होता है. जैसे जैसे वो पकने के बाद और पीला पीला होता जाता है, सो इट बिकम्स मोर, थोड़ा थोड़ा गलने लगता है और उसमें फ्रुक्टोस कंटेंट, आपके शुगर कंटेंट बढ़ने लगते हैं. तो ट्राई, जितना फ्रेश होगा उतने उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होंगे, उतना उसके अंदर आपके हेल्पफुल कंटेंट ज्यादा होंगे. सेम गोज विद द नट्स एंड सीड, उसके अंदर बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट होता है, उसको आपने जरूर लेना है, बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है, तो जरूर लें. ठीक है ना. शुगर्स का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ध्यान में रखें. शुगर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको अवॉइड करना है. शुगर में क्या इशू है, कई लोगों को टेम्पटेशन होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आप शुगर ले लेंगे तो आपको ना सिर्फ इंसुलिन की इशू आएगी, शुगर की एक तो क्रेविंग शुरू हो जाती है, और शुगर की क्रेविंग हर टेंशन वाले पर्सन को, टेंशन में ज्यादा लोगों को होने लग जाती है. तो क्रेविंग अवॉइड करनी है शुगर, उसके अलावा इंसुलिन को स्पाइक नहीं होने देना है. दैट अगेन इज बैड फॉर योर मेमोरी ऑल्सो, फॉर योर वेट ऑल्सो, फॉर योर डाइट ऑल्सो. एंड एक्सेसिव शुगर से टेम्पररी एनर्जी रश और क्रैशिंग ऑफ शुगर लेवल से आप थकान बहुत जल्दी हो जाएगी. तो इजी फटीगेबिलिटी अगर नहीं चाहिए, अगर जल्दी थकना नहीं है, तो गो इजी ऑन योर शुगर्स. एंड जैसा मैंने बताया, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स बहुत जरूरी है. आप 4 घंटे के इंटरवल में खाइए, 6 घंटे के इंटरवल में खाइए, 8 घंटे के इंटरवल में खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए. यानी कि बहुत पेट भर गया, फिर गैस हो रही है, रिगर्जिटेशन हो रहे हैं, GERD हो रहा है, वी डोंट वांट दैट, राइट? सो कंज्यूम स्मॉलर पोर्शन ऑफ फूड एंड एट रेगुलर इंटरवल्स टू कीप योर सेल्फ एनर्जाइज एंड मेक श्योर टू च्यू देम प्रॉपरली. जल्दी जल्दी मत खाओ, घर 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 खा के जल्दी जल्दी खा लोगे तो अगेन दे विल कॉज स्टमक अपसेट, गैसेस, ब्लोटिंग, राइट? एंड यू हैव टू मेंटेन योर वेट ऑल्सो. वेट को भी देखना है, मोटे नहीं हो जाना कि भाई 4 महीने की एग्जाम प्रिपरेशन में 10 किलो वजन बढ़ा लिया, ऐसा थोड़ी होता है, वो गलत हो जाएगा फिर, समझे? आप बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हो, हैवी मील्स खा रहे हो और ब्लोटिंग करेगा, और अगर उसमें कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो वो दिक्कत करेगा. तो इंसुलिन स्पाइक इज अ बिग रिस्पॉन्स, बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये आपके अलर्टनेस, आपकी फटीग के ऊपर, जो नहीं आप देखते. वह थक गया हूं, मैं थक गया हूं, मुझसे नहीं हो पा रहा, ऐसा लग रहा है कुछ दिमाग में नहीं जा रहा है. एंड वी डोंट रियली थिंक कि मे बी हमारी डाइट उसका बहुत बड़ा कारण है, राइट? मे बी हम इतने टाइम से डाइट सही नहीं ले रहे हैं, हमारी डेफिशिएंसीज हो गई होगी, मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजन, राइट? सो मेक श्योर कि आप हेल्दी डाइट खाएं,
और एक हेल्दी स्नैक्स भी लेने जरूरी है। अब चार चार छह छह घंटे में खाना तो नहीं मिलेगा, तो इसीलिए उसमें फिर एक बार आपने खाना खाया जिसमें आपने आधा वेजिटेबल खा लिया, आधा कार्ब ले लिया, आधा प्रोटीन ले लिया ऐसा, और फिर उसके बाद अगली बार 4 घंटे के बाद स्नैक्स खा लिए। क्या स्नैक्स खा लिए? नट्स खा लो, कॉटेज चीज यानी पनीर ले लो, फिग्स ले लो, ड्राइड फ्रूट्स ले लो, ओटमील ले लो, एग्स ले लो, योगर्ट ले लो, आप उसमें क्या कहते हैं मखाने ले सकते हो, राइट? आप मखाने ले सकते हो, थोड़े बहुत पॉपकॉर्न ले सकते हो। दीज आर हेल्दी रादर देन कि आप बिस्किट्स खा रहे हो और रस खा रहे हो और वो फ्राइड चीजें खा रहे हो, पकौड़े खा रहे हो। डोंट डू दैट, ओके? दीज ऑल थिंग्स आर दे कैन इम्प्रूव योर मेमोरी रिटेंशन, अलर्टनेस एंड एनर्जी लेवल्स बिकॉज दे हैव गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग विटामिन B12 इन द योगर्ट एंड एग्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। कैफीन के बारे में हमने आपको बताया था, उसको बहुत जरूरी है आपको माइंड करना, वरना कैफीन जो है, कई लोग जो है भाई पढ़ाई करनी है चाय चाहिए, पढ़ाई करनी है कॉफी चाहिए, कैफीन इतना ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं कि कैफीन के बगैर फिर पढ़ाई नहीं होती। कैफीन आपको एनर्जी बूस्ट तो देगा बट इट विल बी फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, और बहुत ज्यादा कैफीन इंटरवल में 5 5 6 6 चाय कॉफी ले लिए, 5 5 6 6 कॉफी दिन में ले लिए, तो उसके बाद क्या आएगा? जिटरीनेस आ जाएगी, नर्वसनेस आएगी, एंक्शियसनेस बढ़ जाएगी, स्लीप कम हो जाएगी, इनसोमनिया आ जाएगा, एंड ऑल दिस कैन ऑल्सो लीड टू स्टमक अपसेट, एंड दिस कैन लीड टू रिड्यूस्ड मेमोरी रिटेंशन। क्या फायदा अगर इतनी पढ़ाई करके अगर वो रिटेंशन ही नहीं हो, अगर वो याद ही नहीं आए तो? सो कैफीन शुड बी लिमिटेड, और इसके ऊपर हमने अलग से एक डेडिकेटेड ओपन हाउस सेशन भी लिया था। सो ध्यान में रखें कि कैफीन शुड नेवर लिमिटेड टू 300 मिलीग्राम्स पर डे, और इसका मतलब है कि आप 3 से 4 चाय ले सकते हो पूरे दिन में, या फिर 2 कॉफी 2 कॉफी, ठीक है? डीकैफ जैसी चीज ले लो, अगर और ज्यादा लेना है तो आप ग्रीन टी ले सकते हो। यस, व्हाई ग्रीन टी इज बेटर देन कॉफी? बिकॉज जहां 1 कप चाय में कहीं पर भी 50 से 100 ग्राम कैफीन होती है, 1 कप टी में चीज कॉफी में कहीं पर भी 100 से 200 मिलीग्राम कैफीन होती है, वहां पर ग्रीन टी में उस चाय से भी आधी होती है, 25 से 50 मिलीग्राम कैफीन होती है। और बिकॉज ये ग्रीन, वही चीज जो है, वही चाय की पत्ती है, बस उसको सुखाया नहीं गया है धूप में, तो वो ग्रीनर है, तो ग्रीन चीजों में आपके एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। अभी तक मैंने कई बार फ्रूट्स में, नट्स में, सीड्स में एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करी, पर एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्दी हैं, सबको पता है, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर द बूस्टिंग ऑफ योर हिप्पोकैम्पस। ये हिप्पोकैम्पस वो जगह है जहां पे आपकी मेमोरी और जहां पे आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग, आपके जो डिसीजन मेकिंग के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन का कंट्रोल है। अगर यहाँ पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, तो ये सप्रेस हो सकता है, मेमोरी हैम्पर हो सकती है, आपके सोचने समझने की कॉग्निटिव थिंकिंग में इश्यू आ सकता है। सो फॉर दिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत ज्यादा कैफीन ना लें, बहुत अच्छी तरह से एंटीऑक्सीडेंट्स लें। इवन इफ यू वांट यू कैन टेक अ मल्टी वाइटामिन सप्लीमेंट लाइक वी कंसिडर्ड इन योर न्यूट्रोपिक वाले
वीडियो में, ठीक है। मल्टी विटामिन कैन ऑल्सो बी टेकन, ठीक है। सो ग्रीन टी इज बेटर ऑल्टरनेटिव इफ यू वॉन्ट टू टेक वेरी रेगुलरली। कैफीन पे ही पढ़ाई करते हो तो थोड़ा थोड़ा डोज ले लो, ग्रीन टी आप ले सकते हो हर चार चार छह छह घंटे में, कोई इशू नहीं है। बट ऑफ कोर्स ची चाय कॉफी जो है, इसको मैं हमेशा कहता हूं, अपने जब भी आप स्लीप प्लान कर रहे हो तो स्लीप से 5 6 घंटे का 6 आवर्स पहले लास्ट लेना। ऐसा नहीं कि अभी 2 घंटे पहले पिया और फिर 2 घंटे में नींद आ रही नींद आ रही नींद आ रही, दैट नींद, वो नींद डीप होगी ही नहीं। जब डीप स्लीप नहीं होगी तो आपका मेमोरी रिटेंशन रेस्ट रिलैक्सेशन बॉडी को नहीं मिलेगा, अगर अनइजीनेस नहीं जाएगा, स्ट्रेस टेंशन नहीं जाएगा, अगले दिन अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, फायदा क्या, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारा ऑयली फूड नहीं खाना है। ऑयली एंड स्पाइसी फूड विल अगेन लीड टू इंक्रीज चांसेस ऑफ इनडाइजेशन एंड हार्टबर्न, और ये ब्लोटिंग भी कर सकता है। ऑयली फूड से कई बार आपको डायरिया भी हो सकता है, कई बार पेट खराब हो सकता है। सो ऑयली एंड स्पाइसी फूड को अवॉइड करें, बाहर का फूड तो बिल्कुल भी अवॉइड करें। नो आउटसाइड फूड, नो पैकेज फूड ध्यान में रखें, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जंक फूड बाहर वाला तो खाना ही नहीं। जंक फूड के अंदर बहुत सारा या तो ऑयल यूज होता है, कई बार डीप फ्राइड होता है, या तो बहुत सारा सोडियम होता है, या बहुत सारी शुगर होती है। इससे आपको टेम्पररी इंसुलिन स्पाइक भी होता है और बहुत ही जल्दी आपका शुगर या जो आपके इंसुलिन आपके फटीगेबिलिटी भी बढ़ जाती है, तो फटीग भी ज्यादा होता है, थक जल्दी जाते हो, नींद भी ज्यादा आती है, और लंबे समय तक ऐसे ही कर रहे हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एंड दिस विल मेक यू फील लो एंड डल थ्रू आउट द डे। वेट गेन होगा, लिथार्जी होगी। जंक फूड को से नो नो नो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा रिमेम्बर बेटा, ऐसा है जो आप खाते हो वो आप बनते हो, यू आर व्हाट यू ईट। एग्जाम पीरियड इज नॉट टू स्किप मील्स और टू ईट जंक फूड, एंड स्ट्रेस ईटिंग नहीं करना, बिंज ईटिंग नहीं करना, यू हैव टू टेक रेस्ट प्रॉपर लेना है, पानी अच्छा पीना है, फिजिकली अपने बॉडी की हेल्थ की बहुत ध्यान देना है, मेंटल हेल्थ का ध्यान देना है। यू हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ बिफोर एग्जाम। सो ईट राइट, स्टडी, एक्सरसाइज एंड ऑब्वियसली स्टडी वेल, ये सबसे जरूरी है। प्लीज 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 इस वीडियो को शेयर करो। अगर ये वीडियो नहीं समझ आया, कोई भी पॉइंट का इश्यू है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, लेट मी नो, कम एंड मीट मी इन द स्पेशल क्लास ऑन अन अकेडमी, वहां पर यू कैन चैट विथ मी। कोई सवाल रह गया है उसको यहाँ पर कमेंट करके लिखो आप, उसके अलावा चैट में आप स्पेशल क्लास में आके पूछ सकते हो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर हियर टू हेल्प यू, टेक अवर हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट, डू रिमेम्बर माई कोड परमजीत, इससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। गुड लक फॉर एग्जाम, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्थी।